सो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिकंसिलिएशन। सो रिकंसिलिएशन जैसे आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस जो अपने अकाउंट का हम चेक करते हैं उसको रिकंसिलिएशन बोलते हैं। तो ये एक शीट मैंने ओपन कर ली है यहाँ पे, इसका नाम हम रिकंसिलिएशन रख लेंगे राइट। और ये जस्ट एक डेमो वीडियो है, इसमें जो भी डेटा मैं ले रहा हूँ ऑब्वियसली हो सकता है वो डेटा करेक्ट नहीं है, बट तरीका वही होगा जिस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। प्रॉपर एक ओरिजिनल अकाउंट से ही मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पास एक गूगल शीट ओपन कर लेनी है। आप चाहे तो एक्सेल में भी कर सकते हैं अगर आप एक्सेल में अच्छे हैं, मैं गूगल शीट ही प्रेफर करता हूँ तो इसलिए मैं गूगल शीट में करने वाला हूँ। ऑब्वियसली जो फॉर्मूले हैं जो प्रोसेस है वो सब जगह सेम रहने वाला है। तो गूगल शीट ओपन करने के लिए जस्ट आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे क्रोम में जाके, तो यहाँ पर आपको गूगल शीट अपनी मिल जाएगी। वो गूगल शीट ओपन करके आप उसी में रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। ये गूगल शीट यहाँ पर अवेलेबल है, इसी में आप रिकंसिलिएशन को प्रोसेस कर सकते हैं राइट। सो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे तीनों अकाउंट ओपन कर रखे हैं। ये एक फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट है, ये एक मीशो सप्लायर अकाउंट है और ये एक अगेन अमेजोन का सेलर डैशबोर्ड है। सो इन तीनों में हम रिकंसिलिएशन एक साथ सीखेंगे क्योंकि देखिए प्रोसेस तीनों में सेम रहेगा, सिर्फ चेंज जो होता है वो होता है कि जो ऑर्डर्स रिपोर्ट है और जो पेमेंट रिपोर्ट है वो कहाँ से आप निकालते हैं, बाकी चीज़ें तीनों में सेम आपको करनी है राइट। सो सबसे पहले एक बेसिक फंडा समझ लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो रिकंसिलिएशन मीनिंग सिंपल सा है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। आज भी इंडिया में बहुत सारे सेलर, अगर मैं फिक्स डेटा बताऊं तो नियर अबाउट 75% सेलर्स को ये पता नहीं होता कि एट द एंड ऑफ द मंथ उन्होंने बिजनेस को प्रॉफिट में क्लोज किया है या लॉस में क्लोज किया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमको रिकंसिलिएशन टाइम टू टाइम और हर मंथ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए बेसिक हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ऑर्डर रिपोर्ट राइट। कोई भी एक मंथ को हम चूज करेंगे और उसकी हम निकालेंगे ऑर्डर रिपोर्ट। उसके बाद मान के चलिए, मैं एग्जांपल के लिए मान के चलता हूँ जनवरी 2023 राइट। अब देखिए आज हो चुका है 4 मार्च, तो हम जनवरी का कर सकते हैं राइट। और अगर आपको फेब का करना है तो आपको फेब के बाद क्या आता है मार्च, अप्रैल का वेट करना पड़ेगा। क्यों, इसका भी रीजन है क्योंकि देखिए ऑर्डर रिपोर्ट अगर हम जनवरी की निकालेंगे तो जनवरी की जो पेमेंट आती है वो कब आएगी, ऑब्वियसली कुछ पेमेंट जो है वो जनवरी में ही आ जाएगी और कुछ पेमेंट जो है वो फेब में आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली कई बार रिटर्न्स भी हो जाते हैं और जनवरी की पेमेंट भी हो सकता है 20 के बाद की जो पेमेंट है वो फरवरी में ही आए। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे पेमेंट रिपोर्ट राइट। पेमेंट रिपोर्ट हम किस किस की निकालेंगे, तो जैन एंड फेब की हम पेमेंट रिपोर्ट निकालने वाले, दो मंथ की एक साथ। ऑर्डर रिपोर्ट सिर्फ जनवरी की क्योंकि हम जनवरी मंथ का रिकंसिलिएशन करेंगे और पेमेंट रिपोर्ट हम जनवरी और फेब का निकालेंगे। तो जिस भी मंथ का आप कर रहे हैं पेमेंट रिपोर्ट हमेशा उसके वो मंथ और उसके बाद का एक मंथ का होना चाहिए, क्योंकि एक मंथ ऑब्वियसली बहुत इनफ है, सेटल हो जाती है सारी पेमेंट्स राइट। फिर हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर आईडीज को इस पेमेंट, ऑब्वियसली ऑर्डर आईडी वाइज यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ऑर्डर रिपोर्ट में, और पेमेंट भी जब आता है तो ऑर्डर आईडी वाइज ही पेमेंट सेटल होता है। तो आप मैच कर सकते हैं कि ऑर्डर के ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में कहाँ किस किस ऑर्डर आईडी का कितना पेमेंट आया है राइट। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जनवरी मंथ में आपका टोटल जो सेटलमेंट, मतलब टोटल जो पेमेंट आया है आपके पास वो कितना आया है राइट। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको, ऑर्डर रिपोर्ट पेमेंट रिपोर्ट रिकंसिलिएट करके आपको टोटल पेमेंट निकालनी है। उसके बाद टोटल पेमेंट जो आएगा उसमें से आपको माइनस करना है आपके जितने भी ऑर्डर्स उस मंथ गए उनका कॉस्ट प्राइस कितना था राइट। कॉस्ट प्राइस कितना था ये आप निकाल लेंगे, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने प्रॉफिट कमाया है या लॉस, प्रॉफिट या लॉस इन दोनों में से आपको क्या हुआ, क्योंकि टोटल पेमेंट जितना भी आपके अकाउंट में आया राइट, क्योंकि जो भी पेमेंट आता है वो शिपिंग चार्जेस जीएसटी वगैरह सारा कट के आता है राइट। माइनस कॉस्ट प्राइस आप यहां पर कर देंगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस
प्राइस तो कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है आपको, वो आपको मिल जाएगा। बट ये फाइनल नहीं होगा, इसके बाद आप अगेन उसमें से माइनस करेंगे अपनी एड्स की कॉस्ट, क्योंकि आप एड्स भी चलाएंगे तो एड्स की कॉस्ट भी माइनस करेंगे। माइनस आप उस अमाउंट में से जो अमाउंट इन दोनों को माइनस करके निकलेगा, टोटल पेमेंट माइनस कॉस्ट प्राइस जो भी निकलेगा उसमें से आप एड कॉस्ट माइनस करने के बाद अगेन एक कॉस्ट और माइनस करेंगे, वो होगा पैकेजिंग कॉस्ट, राइट। क्योंकि हर प्रोडक्ट की आप पैकेजिंग भी करेंगे, सो पैकेजिंग कॉस्ट के अलावा भी अगर कोई कॉस्ट है तो वो भी आप, चाहे ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वगैरह वगैरह, वो भी आप यहाँ पर माइनस इसमें से कर सकते हैं। जैसे आप ये सब करेंगे तो आपको एक्चुअल में अपना नेट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा, राइट। तो इस अमाउंट को आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये अमाउंट प्लस में है तो वो आपका प्रॉफिट है, और अगर लॉस में है तो आपका लॉस में बिजनेस जा रहा है। माइनस एट द एंड आप इसमें से माइनस जीएसटी भी अपना कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ऑब्वियसली ईयरली या मंथली जैसे भी आप अपना जीएसटी फाइलिंग करते हो तो वहाँ पे आपको जीएसटी भी भरना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली बहुत सारे इनपुट क्रेडिट वगैरह हो जाते हैं, तो इस वजह से ये हम एग्जैक्ट इसको नहीं लेंगे, प्रोडक्ट प्राइस में ही हमने ये एडजस्ट कर दिया था शुरुआती में। जब भी हम प्रोडक्ट का कॉस्ट रखते हैं उस टाइम पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसको मैं हटा दूंगा। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग एड्स कॉस्ट एंड पैकेजिंग कॉस्ट आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये पूरी शीट बनाने का मकसद क्या रहेगा, राइट। अब स्टेप बाय स्टेप हम करना शुरू करते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले हम चले जाते हैं फ्लिपकार्ट पर। देखिए पहले मैं ये बताऊंगा कि इन तीनों मार्केट प्लेसेस के सेलर पोर्टल जो है, ये तीनों मैंने ओपन कर रखे हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट में सेल करते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है, मीशो में और अमेजोन में कुछ इस तरीके का होता है। रिपोर्ट्स कौन सी जनरेट करनी है वो मैं बताऊंगा, उसके बाद का प्रोसेस तीनों में सेम रहने वाला है, राइट। तो अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो आप यहाँ पर रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, ये रिपोर्ट में रिपोर्ट सेंटर पे जाते हैं। जैसे आप रिपोर्ट सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऑर्डर्स की रिपोर्ट चाहिए, राइट। तो ऑर्डर रिपोर्ट आपको यहाँ पे फुलफिलमेंट रिपोर्ट में मिल जाएगी। फुलफिलमेंट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑर्डर्स का रिपोर्ट यहाँ पर आपके सामने आ गया है, बाकी और भी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाती। तो ऑर्डर्स की रिपोर्ट चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट करेंगे। अब हमें किस मंथ का ऑर्डर की रिपोर्ट चाहिए, जनवरी मंथ का जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पे हम जाके जनवरी मंथ का फिल्टर लगा लेंगे। नहीं, यहाँ पे 2023 फेब और जनवरी दोनों आ गया है। कई बार यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप इस पेज को थोड़ा देखिए छोटा कर लिया तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं 2023 के जनवरी का पेमेंट निकालने, मतलब ऑर्डर्स की रिपोर्ट निकालने वाला हूँ। चलिए इसको सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो जनरेशन पे लग जाता है, और अभी तो देखिए तुरंत जनरेट हो गया है। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी की रिपोर्ट है, आज हमने ये रिपोर्ट निकाल रखी है, और अभी डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। बट कई केसेस में डाउनलोडिंग 5 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद आती है, तो आप इसको रिफ्रेश करके बार बार चेक कर सकते हैं। तो पहला तो हमने यहाँ से ऑर्डर रिपोर्ट निकाला, राइट। चलिए सबसे पहले हम ऑर्डर रिपोर्ट में से ऑर्डर्स निकाल लेते हैं, ऑर्डर्स आईडी निकाल लेते हैं, राइट। तो ये फुलफिलमेंट रिपोर्ट हो गई, इसमें से डाउनलोड मैंने इसको कर लिया, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन एक्सेल में कर लेता हूँ। एक्सेल में ओपन करने के बाद जब भी आप ऑर्डर रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इतनी चीज़ें हमको नहीं चाहिए, हमको बहुत कम चीज़ें इसमें से चाहिए होती हैं, वही हम यहाँ से निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर्स पे आप जाएंगे, ऑर्डर्स पे जाने के बाद आप देखेंगे कुछ इस टाइप की रिपोर्ट है। आपको अगर एक्सेल अच्छे से आता है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं सीरियसली बताऊं मेरा एक्सेल इतना अच्छा नहीं है, सो मैं आपको जो भी फॉर्मूला वगैरह बताऊंगा, जो भी बताऊंगा वो भी मैं धीरे धीरे ही लगाऊंगा। जिसको एक्सेल अच्छे से आता है तो उसके लिए बहुत सिंपल है, बाकी जिसको एक्सेल नहीं आता है उनके लिए भी समझ में आए, इसलिए मैं इस टाइप इतना सिंपल वे में बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर आईडी आप देखेंगे, ये बी वाले कॉलम में आपको ऑर्डर आईडी सारी मिल गई है। टोटल अगर मैं सबसे नीचे आऊं तो यहाँ पे देखेंगे आप कितनी ऑर्डर आईडी है, 1332 ऑर्डर आईडी है, मतलब लगभग 1332 ऑर्डर सेलर ने पूरे महीने में डाले हैं। इस हिसाब से दिन का आप लगा सकते हो 40 ऑर्डर के आसपास हो जाता है, राइट। सारे ऑर्डर आईडीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और कॉपी करने के बाद मेरे इन ऑर्डर आईडीज का जो है वो काम खत्म हो जाता, राइट। चलिए यहां इसको मैं अपनी शीट में जाके पेस्ट कर देता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्डर आईडी, ठीक है, और मैं यहां पे इसको पेस्ट कर लेता हूं। ऑर्डर आईडी हमने यहां पर सारी पेस्ट कर दी है। ठीक, देखिए यहां पे ऑर्डर आईडी मैंने टाइटल लिख दिया था। अब मैं अगर इसको पूरा कॉपी करूं तो ये देखिए 1332 ऑर्डर आईडीज मेरे यहां पर आ चुकी है, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, फिर से इस शीट में चले जाते हैं और आप देखेंगे यहां पे ऑर्डर आईडी के साथ साथ फुलफिलमेंट सोर्सेज भी हैं, किस टाइप का फुलफिलमेंट है, डेट भी लिखी हुई है यहाँ पे, सारी SKU भी यहाँ पर आपको हर ऑर्डर आईडी का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये SKU आप बाद में, ये आपके काम आने वाला है, तो ये SKU आईडी भी आप अलग से निकाल के रख सकते हैं, क्या काम आएगा वो हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। बट फिर भी अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से SKU आईडी भी कॉपी करके इन प्रोडक्ट्स की निकाल लेंगे। तो ये तीनों मार्केट प्लेस पे आपको पता है कि हर प्रोडक्ट की SKU आईडी भी होती है, राइट। SKU आईडी को मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं। बहुत स्लो मैं समझाऊंगा, जिनको ऑब्वियसली जल्दी जल्दी समझना है तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, बाकी मैं बहुत धीरे धीरे इसको समझाने वाला हूं, राइट। तो ये SKU आईडीज मैंने इसके सामने पेस्ट कर दी हैं, ये SKU आईडी आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये SKU आईडी है, ये जो इसके देख सकते हैं एंड में और स्टार्टिंग में ये है, इनको चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, बाकी नहीं भी हटाएंगे तो चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली SKU आईडी से पहचान होती है कि आपका प्रोडक्ट वो कौन सा था, राइट। तो ये SKU आईडी यहाँ पर दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको, इस शीट का नाम भी हम चेंज कर देते हैं, जनवरी ऑर्डर्स हम इस शीट को लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे जनवरी के ऑर्डर्स थे, राइट। चलिए ये शीट का हमारा काम हो गया है, इस शीट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। चलिए ये शीट हट गई है, अब हम चले जाते हैं फिर से फ्लिपकार्ट पे, जहाँ पर हमने ऑर्डर, जहाँ से रिपोर्ट, जहाँ से जनरेट करी थी, ठीक है। तो अभी ऑर्डर्स की रिपोर्ट जनरेट हुई, अब हम निकालेंगे पेमेंट्स की रिपोर्ट। तो यहाँ पे पेमेंट रिपोर्ट पे आ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि पेमेंट रिपोर्ट जो होगी वो दो पार्ट्स में, ऑब्वियसली दो रिपोर्ट्स निकलेंगी, एक जनवरी की और एक फैब की, क्योंकि जनवरी की पेमेंट कुछ जैन में आती कुछ फैब में आती। तो सबसे पहले, सबसे नीचे यहाँ पे सेटल ट्रांजेक्शन है, इस पे जाके आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जनवरी और फैब दोनों की रिपोर्ट मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जनवरी की अप्लाई कर लेता हूँ मैं, सबमिट कर दिया है, अभी तुरंत आ रहा है ऑप्शन, क्योंकि मैंने पहले भी ये जनरेट करा था, इस वजह से टाइम नहीं लगता, अदरवाइज कई बार काफी टाइम लग जाता है। फैब का भी मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पर पेमेंट में जाके फैब की रिपोर्ट भी मैं यहां से निकाल लेता हूं। बट आप देखेंगे 4 मार्च हो चुकी है लेकिन फैब का यहां पे नहीं आया है, तो मैं डेट वाइज निकाल लूंगा, ये मंथली का फिल्टर लगा हुआ है, मैं इसको डेट कस्टम में क्लिक कर लेता हूं। मुझे फैब की चाहिए, थोड़ा मैं इस पेज को छोटा कर देता हूं। तो देखिए एक से एक फैब से लेकर 26 फैब तक का ऑलरेडी डेटा मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को 1 से 26 तक का ही चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो जनवरी में ऑर्डर गए होंगे उनकी फैब 26 तक तो पेमेंट सेटल हो ही गए होंगे, राइट। तो एक फैब से 26 फैब का तो अवेलेबल है ही, इसका हम कर लेते हैं, ठीक है। एक फैब से 26 फैब का हम यहाँ पे निकाल लें। तो दोनों यहाँ पे आ चुकी हैं, फैब 1 से लेके 26 और जैन 1 से लेके 31। मैं इसको फिर से पेज को ऐसे ही रख लेता हूँ, ठीक है। चलिए दोनों को डाउनलोड करके यहाँ से हम जो डेटा हमको चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। अब डेटा हमें क्या चाहिए वो हम यहाँ पे अगले पेज, एक और पेज यहाँ पे, अपना जो हमने गूगल शीट बनाई थी रिकंसिलेशन वाली, उसमें एक तो जैन ऑर्डर्स के हम लोगों ने शीट बना ली, एक शीट हम और बनाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, इस शीट का नाम हम रखेंगे जनवरी पेमेंट, क्योंकि जनवरी में जो पेमेंट आएगी उसको हम इस शीट में कॉपी करके निकालेंगे
और एक शीट हम और बनाएंगे यहाँ पे, जिस शीट का नाम रखेंगे हम फैब पेमेंट। राइट, फैब की पेमेंट यहाँ पर आ चुकी है। राइट, ये जनवरी की पेमेंट यहाँ पे रखेंगे हम, वो भी ऑर्डर आईडी वाइज। राइट, तो यहाँ पर हम फिर ऑर्डर आईडी और यहाँ पर पेमेंट, सेम हम फैब में भी निकालेंगे। बाकी तीनों मार्केट प्लेसेस के लिए सेम है, जस्ट मैं और मार्केट प्लेस से कैसे रिपोर्ट निकालनी है वो बता दूंगा। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे जैन और फैब का दोनों का शीट हमने बना ली है। चलिए हम अपने जो शीट हमने बनाई है उनमें से निकाल लेते हैं जो रिपोर्ट हमने जनरेट करी है। तो जैन फर्स्ट, ये जनवरी की रिपोर्ट है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल में। एक्सेल में ओपन इस टाइप का होता है, जो भी फ्लिपकार्ट की सेटलमेंट रिपोर्ट होती है, इसको हम ऑर्डर पे क्लिक करेंगे नीचे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनएफटी आईडी वाइज, डेट वाइज सारा डेटा आपको मिल जाएगा। चलिए ऑर्डर आईडी, ये देखिए एच वाले कॉलम में है, तो ये सारी ऑर्डर आईडी को हम कॉपी कर लेंगे। ये जनवरी की ऑर्डर आईडीज हम यहाँ डाल, और सेम हम इनके पेमेंट्स भी देखेंगे कि इनका पेमेंट कितना आया है, और पेमेंट को हम जस्ट उसके राइट में पेस्ट कर दें। राइट, चलिए पेमेंट्स भी देख लेते हैं। लोडिंग में ऑब्वियसली इश्यू आ रहा है क्योंकि बहुत सारी शीट ऑलरेडी ओपन हो चुकी थी। चलिए नो इश्यू, ये हो गई है जनवरी की पेमेंट्स, ऑर्डर आईडी। राइट, पेमेंट्स भी देख लेते हैं, उसी शीट को मैं दोबारा ओपन करता हूं और पेमेंट भी देख लेता हूं। तो यहां शीट ये है टोटल, तो ये बैंक सेटलमेंट लिखा हुआ है, डी वाला कॉलम आप देखिए, तो इसमें सारे ऑर्डर का यहां पर सेटलमेंट दे रखा है बैंक सेटलमेंट वैल्यू करके। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे ऑर्डर आईडी और पेमेंट दोनों चीजें ले लेंगे शीट से, उसके बाद हमारा इस वाले जो शीट है, जो शीट हमने अभी जनवरी की डाउनलोड करी थी, इसका अब कोई भी काम नहीं रह गया है। सेम हम फैब की रिपोर्ट में करने वाले, देखिए हो गया है। राइट, चलिए फैब में आ जाते हैं और जैन वाली को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, फैब वाली जो हमने जनरेट करिए, उसको डाउनलोड कर लेंगे और सेम चीज़ हम फैब वाली रिपोर्ट के साथ कर लेंगे। ओपन करा और उसके बाद ऑर्डर आईडी एंड पेमेंट्स शीट से उठा लेंगे। डेटा जितना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली लोडिंग में उतनी दिक्कत आ सकती है, तो इस वजह से थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा काफ़ी बड़ा है। चलिए ये फैब का डेटा मैंने यहाँ से निकाल के इसमें डाल दिया है, और सेम हम करेंगे किसके साथ, पेमेंट्स भी यहाँ से निकाल लेंगे और पेमेंट्स को भी यहाँ पर डाल देंगे। बैंक सेटलमेंट, कोई भी नंबर आपने यहाँ पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक भी नंबर छूटा तो हो सकता है लेटर ऑन आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आएगी। राइट, ये पेमेंट्स भी हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ पेमेंट्स भी हमारी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी। ठीक है, सो फाइनली हमारी शीट्स तो सारी रेडी हो चुकी हैं, बस अब इन शीट्स पे फॉर्मूला लगाना है। ये ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर SKU वाइज हो गई, जनवरी में जो जो पेमेंट्स ऑर्डर वाइज आई हैं वो हो गई, और फेब में जो जो ऑर्डर वाइज आए हैं पेमेंट वो भी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को हम फाइनली यहाँ से डिलीट कर देंगे। राइट, तो ये सिखाया मैंने आपको फ्लिपकार्ट का। अब आ जाते हैं हमारे मीशो पे। मीशो पे भी आपको सेम रिपोर्ट चाहिए और अमेजोन पे भी आपको सेम रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तभी आप उस पे प्रॉपरली फॉर्मूला लगा पाओगे। राइट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मीशो का देख लेते हैं।
ठीक है। तो मीशो पे सबसे पहले क्या निकालने को बोला मैंने, ऑर्डर आईडी वाइज आपको ऑर्डर आईडी निकालनी पड़ेगी कि कितने ऑर्डर आपने प्रोसेस करे हैं। तो मीशो पे आप आ जाते हैं ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स में आने के बाद यहाँ पे डाउनलोड राइट साइड में आप टॉप में देखिए डाउनलोड ऑर्डर डेटा का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करते हैं, सेलेक्ट डेट रेंज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप लगाते हैं फिल्टर जनवरी का, क्योंकि ऑर्डर्स का रिपोर्ट चाहिए आपको। तो 1 जनवरी से लेके यहाँ पे 2 में मैं लिखता हूँ 31 जनवरी तक, राइट। इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी एक बार निकाल चुका हूँ मैं। तो प्रोसेसिंग वैसे कई बार 1 मिनट 2 मिनट में हो जाता है काम, मैक्सिमम 5 मिनट यहाँ पे लगने वाले, वैसे मैंने यहाँ पे जनरेट कर दी थी। तो चलिए ये भी रेडी हो गया है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सेम जैसा आपने फ्लिपकार्ट पे किया था वही आपने मीशो पे किया, सबसे पहले ऑर्डर्स की रिपोर्ट निकाली, राइट। तो यहाँ पे ओपन करूंगा मैं, तो यहाँ पे देखेंगे मीशो पे जो ऑर्डर आईडी है उसको मीशो पे बोलते हैं सब ऑर्डर नंबर, राइट। इस चीज का ध्यान रखना है, तो नाम अलग हो सकता है बट सारी चीजें सेम होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर ऑर्डर आईडी का, यहाँ पे हर ऑर्डर का एक आईडी होती है जिसको सब ऑर्डर नंबर बोलते हैं, वो यहाँ पर मेंशन है। टोटल कितने दिख रहे हैं, टोटल 4600 यहाँ पर है, राइट। अगर आप एसकेयू निकाल उसके अगेंस्ट में आपको एसकेयू निकालना है तो यहाँ से एसकेयू भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मीशो का ऑर्डर डेटा आपने यहाँ से निकालना है। पेमेंट डेटा के लिए मीशो का आप पेमेंट्स पे जाएंगे, उसके बाद मैं अमेजोन का भी बता देता हूं आपको। पेमेंट्स में जाने के बाद जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड में आपको कौन सी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, पेमेंट टू डेट, राइट। पेमेंट टू डेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कस्टम डेट रेंज पे आप कर लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको कौन कौन से मंथ का आपको चाहिए, ऑब्वियसली जनवरी और फेब का चाहिए, राइट। तो पहले आप जनवरी का निकाल लीजिए, मंथ वाइज आपको ये निकालना है, राइट, क्योंकि एक बार में 30 दिन का ही निकलेगा यहाँ से, राइट। अब देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है कहीं पर भी, तो फिर से आप स्क्रीन को थोड़ा मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए डाउनलोड हो चुका है मीशो का भी, यहाँ पे ग्रीन मार्क भी आ गया। इसको ओपन करेंगे तो ये एक zip फाइल में आता है, इस zip फाइल के अंदर एक्सेल फाइल होती है, इसको आपने ओपन करना है, राइट। ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको सब ऑर्डर नंबर वाइज पेमेंट कितना आया है वो पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, देखिए सब ऑर्डर नंबर है पहला कॉलम, यहाँ से आपको सब ऑर्डर नंबर पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब ऑर्डर आईडी। और सेम आपको इसके अगेंस्ट में पेमेंट कितना आया था वो आपको कहाँ पे पता चलता है, ये वाले कॉलम में, देखिए एल वाले कॉलम। एल वाला कॉलम क्या है, फाइनल सेटलमेंट अमाउंट है, तो यहाँ पे आपको कितना सेटलमेंट हुआ है हर ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट वो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इससे आप जनवरी का सब ऑर्डर नंबर एंड पेमेंट, सब ऑर्डर नंबर एंड पेमेंट निकाल सकते हो, ऐसे ही आपको फरवरी का निकाल लें। तो आई होप मीशो पे भी आप इसी तरीके से कर लोगे जैसा हमने अभी फ्लिपकार्ट में डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, क्योंकि डेटा एक्सट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको प्रॉपरली कर लेना है। और जब भी आप रिपोर्ट निकालें तो रिपोर्ट सेक्शन से ही निकालें। कई बार क्या होता है फ्लिपकार्ट में भी, जैसे आप यहाँ से रिपोर्ट सेक्शन से भी निकाल सकते हो, ऑर्डर सेक्शन से भी ऑर्डर के डेटा निकाल सकते हो, बट रिपोर्ट सेक्शन से निकालेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो फाइनल होता है और काफ़ी टाइम बाद जनरेट होता है, तो तब तक सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेटल हो चुकी होती है, राइट। सेम आप अब आ जाते हैं हम Amazon पे, तो Amazon पे भी सेम चीज़ आपको करनी है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में क्लिक करना है, यहाँ पर आपके सामने रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, रिपोर्ट में पेमेंट रिपोर्ट आप पेमेंट से निकालेंगे और ऑर्डर्स रिपोर्ट आप फुलफिलमेंट से निकाल लेंगे। तो फुलफिलमेंट पे सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स का ऑप्शन है, ऑल ऑर्डर्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, फुलफिलमेंट, उसके बाद ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेट वाइज आप यहाँ से डेटा निकाल लीजिए, तो कौन से मंथ का डेटा निकालना है, जनवरी मंथ का डेटा निकालना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेटा आप लगा दो, मुझे चाहिए जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का, ठीक है, और रिक्वेस्ट डाउनलोड करूंगा तो सेम यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। सेम रिपोर्ट मैंने एक बार और निकाल के देखी थी, तो ये वाली मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाली इन प्रोग्रेस है, विद इन 2 मिनट्स ये डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर भी आ जाएगा,
ठीक है। तो अमेजोन पे भी इस तरीके से आप सबसे पहले ऑर्डर का डेटा निकालिए। और अमेजोन में यहाँ पे एक दिक्कत ये भी है, जैसे आप ऑर्डर का डेटा निकालेंगे तो ये डेटा आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का। वैसे तो कई बार एक्सेल में ही आता था पहले, बट अभी ये एक्सेल में नहीं आ रहा है, कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसको आप कंट्रोल ऑल करेंगे, पहले कंट्रोल ए दबा के पूरा सबको हाईलाइट कर लेंगे और इसको इससे कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर, ठीक है। कंट्रोल ऑल और कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेंगे और इसको एक एक्सेल में आप पेस्ट कर, ठीक है। तो मैं एक्सेल शीट यहाँ से ओपन कर देता हूँ और उसमें इसको पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए, तो सेम यही शीट, ऐसी शीट आपकी मीशो पे भी निकली थी, सेम यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये जनवरी की ऑर्डर रिपोर्ट है, इसमें से आपको क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी और एसकी, ठीक है। तो सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, अमेजोन ऑर्डर आईडी पहला कॉलम है, इसमें आपकी सारी ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, राइट। और सेम इसके अलावा यहाँ पर आपको यूआरएल शीट, एसिन वाइज भी डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहां से आप ऑर्डर आईडी उठा सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। यहाँ पे आपको और भी शीट्स मिलेंगी, सॉरी ये और शीट्स तो ऑब्वियसली हमने खुद से करी है, और एसकेयू आईडी का डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अमेजोन का आप ऑर्डर आईडी का जो भी डेटा है वो आपको यहाँ से उठाना है, ठीक है। इसको मैं अब काट देता हूँ। अब अगेन अमेजोन पे आपको क्या चाहिए, पेमेंट का डेटा चाहिए। तो पेमेंट के डेटा के लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा ये ट्रिकी है, थोड़ा इसको समझना है आपने। पेमेंट के डेटा के लिए आप रिपोर्ट्स पे जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाने के बाद पेमेंट्स पे जाएंगे। पेमेंट्स पे जाने के बाद थोड़ा ट्रिकी है, इसको थोड़ा आपने डीप में समझना है। यहाँ पे डेट रेंज रिपोर्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। डेट रेंज रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जनरेट रिपोर्ट में यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, तो आपने ऑल पे ही रखना है इसको। उसके बाद आप यहाँ पर कौन कौन मंथ की चाहिए हमको, तो हमको चाहिए थी जनवरी और फेब की, ठीक है। तो जनवरी की मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और इसको जनरेट कर लेता हूँ। आप चाहें तो डेट वाइज भी निकाल सकते हैं। तो सेम इसी तरीके का आपके सामने ऑप्शन आएगा, जो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ पे इन प्रोग्रेस में। आप इसको बार बार रिफ्रेश करेंगे तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगी। चलिए एक डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ कि पेमेंट रिपोर्ट में से जो ऑर्डर आईडी वाइज पेमेंट है वो आपको अमेजोन में कैसे निकालनी है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का आपके सामने शीट ओपन होके आती है। इसमें आपको सबसे पहले एक फिल्टर लगाना है। फिल्टर क्या लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो ऊपर के कॉलम है सारे, इसमें दे रखा है डिटेल्स। डिटेल्स मतलब डिस्क्रिप्शन की, भाई नीचे जो जो कॉलम है उसके बारे में दे रखा है, तो उनका हम आपको कोई काम नहीं है। आपको काम है कॉलम नंबर, ये रो नंबर 12 से, रो नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने रो नंबर 12 को ऐसे हाईलाइट कर लेना है और इस पर फिल्टर लगा देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से फिल्टर लगा देता हूँ। फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी पे फिल्टर लगाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये वाला डी वाला कॉलम में नीचे देखेंगे तो ये ऑर्डर आईडी है, ये देखिए इस पे ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी वाले कॉलम पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए ये फिल्टर लग चुका है। आपने क्या करना है, कई ऐसे भी, क्योंकि अमेजोन में क्या होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर आईडी, देखिए हर ट्रांजेक्शन के आगे ऑर्डर आईडी मेंशन है, इसके आगे भी ये ऑर्डर आईडी सबके आगे ऑर्डर आईडी है, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखोगे कि ऑर्डर आईडी नहीं मेंशन। ये देखिए यहाँ पर 81 वाले नंबर पे देखेंगे तो ऑर्डर आईडी यहाँ पे नहीं मेंशन है। इसका मतलब ये कोई ऑर्डर की पेमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये कुछ एडजस्टमेंट करके आ रखा है, मतलब जो एडजस्टमेंट किया है अमेजोन ने आपका। फिर कुछ सर्विस आपने ली होगी जैसे एड्स वगैरह, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है, तो इनको हम हटाएंगे। इसीलिए जो भी ऑर्डर आईडी के अलावा है उसको हम हटा देंगे। तो हम क्या हटाएंगे, यहाँ से ब्लैंक वाला हटा देंगे, ठीक है। तो ये ब्लैंक मैंने हटा दिया है और ओके कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितनी ऑर्डर आईडी आ रही है। टोटल यहाँ पे 850 ऑर्डर आईडीज आ रहे हैं। तो यहाँ से आप ऑर्डर आईडी उठा लीजिए। और ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में क्या चाहिए आपको, पेमेंट चाहिए। तो पेमेंट अमेजोन में मिलता है आपको ये लास्ट वाले कॉलम में, देखिए ये वाला कॉलम है। वैसे लिखा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ टोटल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ये हटा दिया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल पेमेंट कितनी है, वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, राइट। पूरा यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। अमेजोन में थोड़ा डेटा किस तरीके से आता है आप देख सकते हैं कि जितने भी, ये देखिए ये सबका
माइनस 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 है। ये क्या है, ये शिपिंग चार्जेस जो काटे हैं अमेजोन ने आपके ऑर्डर आई डी वाइज वो आपको अलग से दे रखा है, प्लस ऑर्डर आई डी वाइज जो पेमेंट आ रखा है वो अलग से दे रखा है, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग डेटा सारा एक शीट में दे रखा है, राइट। तो इस तरीके से आप जनवरी का, ये हमने अभी जैन का फेब का निकाल के देख लिया था, ऐसे ही आप जनवरी का निकाल के, ये देखिए जनवरी का अभी हमने जो लगाया था उसी को हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब एक चीज आप समझ गए कि तीनों मार्केट प्लेसेस पे आपको सबसे पहले जनवरी के ऑर्डर्स विद SKU ID निकाल लेने हैं, उसके बाद जनवरी में जितनी भी पेमेंट्स आई है ऑर्डर आई डी वाइज उसको एक शीट में लिख लेना है, फिर फेब में जितनी पेमेंट्स आई है ऑर्डर आई डी वाइज वो भी आपने लिख लेना है, और तीनों मार्केट प्लेस पे कैसे करना है वो आप समझ गए, राइट। अब क्या करेंगे, अब मेन यहाँ पर मेन जो फॉर्मूला लगेगा वो अब लगेगा, राइट। तो अब क्या लगेगा, देखिए ये ऑर्डर आई डी है, ये SKU ID है। अच्छा, हर ऑर्डर आई डी का मैं बता देता हूँ, हर ऑर्डर आई डी की पेमेंट जो होती है वो कभी एक पार्ट में आती है, कभी दो पार्ट में आती है, राइट। मान के चलो आपने कोई ऑर्डर प्रोसेस करा और वो ऑर्डर का कस्टमर को डिलीवर हुआ और हफ्ते 10 दिन बाद आपको उसका पेमेंट आ गया, हो सकता है 15 दिन की उसकी रिटर्न गारंटी थी, 15 दिन बाद वापस कर दिया कस्टमर ने, तो आपसे वही पैसा काट लिया जाएगा। तो सेम ऑर्डर आई डी का पहले माइनस में पेमेंट होता है फिर प्लस में पेमेंट होता है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो ये जनवरी की पेमेंट है इसमें कई ऑर्डर आई डी रिपीट होंगे और फेब की पेमेंट भी कई ऑर्डर आई डी रिपीट होंगी। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, देखिए जनवरी में टोटल ऑर्डर कितने डले थे, अगर मैं इसको पूरे को हाईलाइट करता हूं तो 1331 ऑर्डर डले थे, ठीक है। बट पेमेंट अगर आप देखेंगे जनवरी में तो कितने ऑर्डर आईडी की आ रखी, 2121, राइट। मतलब 1300 ऑर्डर गए थे लेकिन पेमेंट कितने ऑर्डर की आई, 2121। अब आप बोलोगे कुछ दिसंबर के भी होंगे, तो चलो भाई हम फेब के देख लेते हैं, आप फेब के ही ऑर्डर देख लो एक बार कितने ऑर्डर के पेमेंट आई है, देखिए चलिए हो सकता है इसमें कम हो, बट ये मैं आपको दूसरे फॉर्मूला से करके दिखाता हूँ प्रूफ कैसे, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, फेब का हमने सिर्फ 26 तारीख तक का निकाला है, इस वजह से वो एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काउंट लिख लेता हूँ, काउंट, ठीक है। कई ऑर्डर आईडी दो बार भी हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक तो रिटर्न का केस होता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक बार पेमेंट आपको थोड़ा दिया फिर बाद में थोड़ा और दे दिया, कई बार हो सकता है इंसेंटिव ऑफर्स वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया होता वो आ गया, कई बार ऐसा होता है कि आपने कई ऑर्डर आईडी का आपसे पैसा काट लिया गया फिर आपने उसका रीइंबर्समेंट लिया, मतलब SPF वगैरह लिया, तो फिर ऑर्डर आईडी वाइज आपको फिर से पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इज इक्वल टू काउंट इफ ये मैंने ब्रैकेट लिया और ये मैंने ये वाली शीट हाईलाइट कर दी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है और ये वाला जो कॉलम है इसको हाईलाइट कर लेना है, कॉमा, इस वाले कॉलम में हमको क्या ढूंढना है, इस वाले कॉलम में हमको ये ऑर्डर आईडी ढूंढनी है कितनी बार है, ठीक है। तो और ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो देखिए ये वाली ऑर्डर आईडी जो है वो कितनी बार है ये यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, ये ऑर्डर आईडी सिर्फ एक बार है, ठीक है। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और पूरे शीट में अगर ये फॉर्मूला में लगाता हूँ तो हमको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर आईडी कौन सी ऑर्डर आईडी कितनी बार यहाँ पर मेंशन। तो चलिए मैं इसको पूरे शीट में पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको पता चलता है कि ये ऑर्डर आईडी आप देखेंगे दो बार है, राइट। ये ऑर्डर आईडी भी आप देखेंगे दो बार है, ये ऑर्डर आईडी भी आप देखेंगे दो बार है, तो बहुत सारी ऑर्डर आईडीज ऐसी हैं जो दो बार हैं। सो ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्डर आई डी दो बार है तो कभी माइनस भी होगा कभी प्लस भी होगा, तो हमने उनको क्या करना है, दोनों को आपस में मिला देना है, जोड़ देना है कि प्लस, कई बार प्लस में आया होगा कई बार माइनस में आया होगा, तो प्लस और माइनस जो भी सेटल करके जितना होता है वो फाइनल निकालना है हमने, ठीक है। तो उसके लिए हम लगाएंगे पिवट टेबल, ठीक है। तो पिवट टेबल कैसे लगाते हैं, आपको अगेन कंट्रोल ए दबा के इस पूरी शीट को हाईलाइट कर लेना है और उसके बाद ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर पिवट टेबल का ऑप्शन है, पिवट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। क्लिक क्रिएट पे क्लिक करके ये अलग शीट ओपन होके आ जाएगी। अब ये शीट हम क्यों बना रहे हैं आप समझ गए,
क्योंकि एक ऑर्डर आईडी बार बार होती है, तो उन सबको कंसोलिडेट करके एक बनाना है हमने, ठीक है। तो इस शीट का हम नाम रखेंगे जनवरी लास्ट शीट, मतलब जनवरी की एक शीट हमने ये बना दी थी, अब लास्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, पिवट टेबल लगाएंगे। पिवट टेबल में हमने क्या करना है, सबसे पहले रो में डालना है हमको, यहाँ पे रो पे क्लिक करना है, रो में डालना है हमको ऑर्डर आईडीज, ठीक है। ऑर्डर आईडीज डल गई, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देखोगे ए के नीचे सारी ऑर्डर आईडी डल के आ जाएगी। देखिए सारी ऑर्डर आईडी डल के आ गई। अब देखिए टोटल कितनी ऑर्डर आईडी आई है, हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। मैं अगर इस पूरे को हाईलाइट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 1823 ऑर्डर आईडी है, अगर एक ग्रैंड टोटल वाले को हटा दें तो 1822 है, जबकि इस शीट में आपके सामने कितने थे, 1822 आए हैं अभी, जबकि टोटल यहाँ पे कितने थे, 2121 थे, राइट। तो इसका मतलब लगभग 200-250 जो है वो रिपीट थे, राइट। तो उन सबको क्या कर दिया है, इस पिवट टेबल ने एक कर दिया है उन सबको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी तो हो गई, ऑर्डर आईडी के सामने हमें पेमेंट भी चाहिए, तो पेमेंट को हम वैल्यू में करेंगे। यहाँ पे वैल्यू वाला ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे, वैल्यू में हम डालेंगे पेमेंट्स को, ठीक है। और पेमेंट्स का हमको क्या चाहिए, सम चाहिए, तो यहाँ पे सम ऑलरेडी लगा हुआ आया है। आप पेमेंट का यहाँ पे काउंट वगैरह भी डाल सकते हैं, किसका पेमेंट कितनी बार आया है वगैरह वगैरह, बाकी सम में ऑटोमेटिक ये लगा हुआ है, ठीक है। तो हर ऑर्डर आईडी के सामने यहाँ पर पेमेंट्स लिखी हुई आ गई है, राइट। देख सकते हैं आप सबका प्लस माइनस करके जो भी आएगा वो यहाँ पे फाइनल लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब टोटल पेमेंट कितना आया है जनवरी मंथ में, 153,156। तो आपको आप इसको अपने बैंक अकाउंट से भी मैनेज कर सकते हैं कि भाई सच में हमारे बैंक अकाउंट में 153,156 रुपये आए हैं या नहीं आए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दी, जनवरी की ये लास्ट शीट हमने बना दी है, लास्ट और फाइनल शीट हो गई है जनवरी की, ठीक है। सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे फैब में, क्योंकि फैब में भी ऑब्वियसली कई ऑर्डर आईडी ऐसी होंगी जो दो रिपीट हो गई होंगी, राइट। फैब में 26 तारीख तक का डेटा हमने निकाला था, तो 26 तारीख तक टोटल कितनी ऑर्डर आईडी है, 723 ऑर्डर आईडी, राइट। अब इनको कंसोलिडेट करके हमको क्या करना है, एक बनाना है। तो क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहां से इंसर्ट कर देंगे और पिवट टेबल लगा देंगे, राइट। पिवट टेबल क्रिएट कर लेता हूं मैं, राइट। ये पिवट टेबल क्रिएट हो गया है। सेम हम यहां पर भी करेंगे, रो में हम क्या डालेंगे, ऑर्डर आईडीज डालेंगे, ठीक है। और वैल्यू में हम क्या डालेंगे, पेमेंट्स डालेंगे, ठीक है। तो दोनों यहां पे आ गई है। अब देखिए 700 कुछ थी ऑर्डर आईडीज, और अब कितनी रह गई है, 688 रह गई, राइट। और टोटल पेमेंट कितना आया है फरवरी में 26 तारीख तक, 45,205 रुपए। तो आप इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हमको फाइनल शीट मिल गई है, फैब लास्ट शीट, मैं इसका नाम दे देता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जनवरी की लास्ट शीट मिल गई है हमको, सेम हमको फैब की भी लास्ट शीट मिल गई है, ठीक है। अब इन दोनों शीट में से जनवरी की जो पेमेंट, जनवरी के जो ऑर्डर्स हैं उनमें उसके आगे इनकी पेमेंट्स हम लिखने वाले, ठीक है। तो ये जनवरी के सारे ऑर्डर्स हैं, इनके अगेंस्ट में सबसे पहले जनवरी में हमको कितना पेमेंट मिला, और इन्हीं ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में फैब में पेमेंट अगर मिला है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने लगाना है। जनवरी में इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में कितनी पेमेंट आई है, फैब में इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में कितनी पेमेंट आई है, तो उसके लिए लगेगा वी लुकअप। वी लुकअप से क्या होता है, इस शीट, इन शीट्स का डेटा इन ऑर्डर आईडी के बराबर में ऑटोमेटिक आता जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, गौर से समझिए, इज इक्वल टू लिखेंगे सबसे पहले, और यहां पर लिखेंगे वी लुकअप, ठीक है। यहां पे देखिए ऑटोमेटिक इसके नीचे आ गया है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू वी लुकअप, एग्जैक्ट आपको ऐसे लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको वी लुकअप, इस तरीके से वी लुकअप लिखना है। उसके बाद आपको कर्सर को लेके जाना है यहां, क्योंकि हमको ढूंढना क्या है, ब्रैकेट ओपन किया हमने, उसके बाद हमको ये वाली ऑर्डर आईडी ढूंढनी है, तो इसको ए टू, ये ऑर्डर आईडी का नाम है ए टू, क्योंकि ये ए वाले कॉलम के टू वाले रो पे है, तो ए टू यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। कॉमा लगा देंगे,
कहाँ ढूंढना है हमने, जनवरी लास्ट शीट में ढूंढना, क्योंकि जनवरी की पेमेंट हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी लास्ट शीट में आ जाएंगे। अगर आप जनवरी लास्ट शीट में आओगे तो आप एक चीज यहाँ पर देखोगे कि वी लुकअप में ऑलरेडी यहाँ पर वी टू करके आया है। अब हम इन दोनों कॉलम को क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों कॉलम हमने हाईलाइट कर दिए क्योंकि वो ऑर्डर आईडी हमको इन दोनों कॉलम में ढूंढनी है, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ ऑलरेडी आ गया है, जनवरी लास्ट शीट एज टू बी, ठीक है। फिर से कॉमा लगा देंगे। अच्छा, अब इन दोनों कॉलम में से किस कॉलम में ढूंढना है हमको पेमेंट, तो पेमेंट हमको इस वाले कॉलम में ढूंढना है, बी वाले कॉलम। बी वाला कॉलम क्या है, ये एक है तो ये दो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो लिख देंगे, ठीक है, कॉमा, और लास्ट में जीरो एक एडिशनल लगा देंगे और ब्रैकेट बंद कर लेंगे और इज इक्वल टू लिख लेंगे, ठीक है। जैसे आप इज इक्वल टू लिखोगे, इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में जो भी पेमेंट जनवरी लास्ट शीट में होगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो देखिए, इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी प्रेजेंट ही नहीं है जनवरी लास्ट शीट में। तो प्रेजेंट ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एन ए आ गया। पेमेंट जीरो होगी तो जीरो आएगा, एक होगी तो एक आएगा, दस होगी तो दस उठा लेगा वो वहां से ऑटोमेटिक। बट अगर ये ऑर्डर आईडी वहां पर है ही नहीं प्रेजेंट तो एन ए आ जाएगा, ठीक है। अब इस सेम फॉर्मूले को हम पूरे शीट में अप्लाई कर देंगे। चलिए मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ से पूरा ऊपर तक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट करूंगा तो आप यहाँ पर देखोगे तुरंत के तुरंत जिस जिस पेमेंट जिस जो जो ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में जनवरी में पेमेंट मिला है वो यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। देखिए इन सब ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में जितना भी पेमेंट आया है जनवरी में वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, राइट। तो हम यहाँ पर, और जिसके आगे एनए है मतलब वो ऑर्डर आईडी का पेमेंट जनवरी में नहीं आया है तो ऑब्वियसली उसका फैब में आया होगा। सेम फॉर्मूला हम फैब के लिए लगा लेते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, सेम ऑर्डर आईडी को हम ढूंढेंगे, कॉमा लगाएंगे, फैब लास्ट शीट में आ जाएंगे, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ ढूंढना है, फिर से कॉलम लगा लेंगे, सेकंड वाले कॉलम में ढूंढना है, फिर से कॉमा लगा लेंगे, जीरो दबा देंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इसको भी हम एंटर कर लेंगे। एंटर करते देखिए इस वाली ऑर्डर आईडी का जनवरी में तो ये ऑर्डर आईडी प्रेजेंट ही नहीं है और फेब में इस ऑर्डर आईडी का जीरो पेमेंट आया, राइट। अगर आप एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये ऑर्डर आईडी यहां से आप कॉपी कर लो और फेब लास्ट शीट में चले जाओ, यहां पर कंट्रोल एफ करके मैं सर्च कर लेता हूं जो ऑर्डर आईडी हमने वहां से उठाई थी उसको, अगर मैं कंट्रोल एफ करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये देखिए इसके अगेंस्ट में जीरो है, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक इस चीज को उठा लेता है, ठीक है। तो जनवरी ऑर्डर्स में हम चले जाते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया था तो इसको कॉपी करेंगे और सेम फॉर्मूला हम पूरे शीट में लगा लेंगे। चलिए पूरे शीट में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हाँ, ये पूरे शीट में देखिए अप्लाई हो चुका है और आप देखोगे कि जिसका यहां नहीं मिला है उसका यहां मिला है और कई ऑर्डर आईडीज तो अवेलेबल हैं ही नहीं, राइट। तो हो सकता है उनका कुछ पेमेंट्स ही नहीं मिला, कुछ हुआ ही नहीं, वो ऑर्डर आईडी बीचों बीच आई डोंट नो कहां गायब हुई है, वो आपको बाद में इन्वेस्टिगेट करनी है, ठीक है। कई ऑर्डर आईडी का देखेंगे यहां मिला है तो यहां नहीं मिला है, ऑब्वियसली कई का एक ही बार आया है। कई ऑर्डर आईडी आप देखोगे जिनका दो बार पेमेंट आया है, राइट, वैसी भी आपको मिल जाएंगी। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर इस ऑर्डर आईडी का आपको एक बार 136.99 रुपए मिले, एक बार 13.45 रुपए मिल गए, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये देखिए यहाँ पर भी दो बार पेमेंट आया हुआ, ठीक। अब आप दोनों का मिला के नेट पेमेंट यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि कुछ जनवरी में आया है कई ऑर्डर आईडी का, कुछ फेब में आया है, तो नेट पेमेंट निकालेंगे। अब नेट पेमेंट कैसे निकालना है ये बताने की जरूरत नहीं है, जनवरी पेमेंट प्लस फरवरी पेमेंट आप कर लेंगे, राइट। बट यहाँ पर एक दिक्कत और है कि अगर आप जनवरी पेमेंट प्लस फरवरी पेमेंट करेंगे तो एनए ही आएगा, क्यों, क्योंकि एनए में अगर जीरो प्लस करेंगे तो एनए ही आना है। तो आप यहाँ पर सम करेंगे बट एक फॉर्मूला लगा के करेंगे जिससे ये एनए जीरो कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो चलिए वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, इज इक्वल टू
समीफ, ये सारे फॉर्मूले आपने रट लेने हैं ताकि हर बार आपको काम आएंगे, क्योंकि ठीक है समीफ आपने यहाँ पर लिखना है। और समीफ करने के बाद आपको किस किस का सम करना है, इसका कॉलन लगा देना है, डबल डॉट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, हाँ कॉलन लगाया था हमने, मतलब डबल डॉट जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद सी टू और डी टू, यहाँ पे डी टू भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है कॉमा। अब आपको क्या करना है, एन ए को हटाना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले ऊपर से इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद यहाँ पर ए के ब्रैकेट, ए के ब्रैकेट, उसके बाद क्या हटाना है हमको, हैश टैग हैश एन डैश ए को हटाना है, और फिर से इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इज इक्वल टू कर लेंगे। ठीक है, तो जीरो प्लस एन ए इज इक्वल टू जीरो, राइट, तो ये जीरो ही हो गया है। सेम हम यही फॉर्मूला पूरे की पूरी शीट में लगा दें। तो देखिए जैसे ही हमने ये फॉर्मूला यहां लगाया, सारी अपडेट हमारे पास आ चुकी है कि नेट पेमेंट हमको किस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट में कितना मिला हुआ है। अब टोटल अगर आप देखें तो कितना हो रहा है, देखिए टोटल हो रहा है 1,102 रुपए, राइट 1,102 रुपए। तो टोटल पेमेंट हम यहां पर लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है, तो टोटल पेमेंट हमें आया था 1,102 रुपए। ठीक है, ये टोटल पेमेंट आपको जनवरी में जितने भी ऑर्डर्स आपने डाले थे उनका आया है, राइट, तो इसको हम ग्रीन मार्क कर लेंगे। एक बार हम और इसको कंफर्म कर लेते हैं सब जोड़ के, हाँ 1,102 रुपए। ठीक है, अब 1,102 रुपए आपको टोटल पेमेंट रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट से जनवरी मंथ के ऑर्डर्स का, राइट। अब कॉस्ट प्राइस भी होगा हर प्रोडक्ट का, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हर प्रोडक्ट का एक क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम क्या करेंगे, यहां से हर एसकेयू का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे। अब आपको एक चीज पता है कि हर एसकेयू का एक कॉस्ट प्राइस होगा, बट कई एसकेयू यहाँ पर ऐसे होंगे जो डबल होंगे, मतलब बार बार होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं ताकि हमें ये कई एसकेयू आईडी ऐसे होंगे जो बार बार होंगे, जैसे टोटल कितनी एसकेयू आईडी दिखा रहे हैं यहाँ पर 1331, राइट, तो 1331 ऑर्डर आईडी एसकेयू आईडी नहीं है, ये कम है, बट ये क्या है डबल डबल हो गई। तो एक और शीट हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, राइट, जिसका नाम हम रखेंगे SK, राइट, और यहां पर क्या करेंगे, जितनी भी SKU ID है उनको पेस्ट कर देंगे ताकि हम यहां पर सारी SKU ID को थोड़ा शॉर्ट कर पाएं, और उससे क्या होगा हमारी सारी SKU ID जो है वो उनकी हम कॉस्ट प्राइस लिख पाएंगे, राइट। तो ये SKU ID सारी मैंने यहां पर पेस्ट कर दी है और हर SKU ID का हम यहां पे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, बट उससे पहले हम इस पे पिवट टेबल लगाएंगे ताकि कई SKU ID 2-3 बार भी होगी तो उन वो हट जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को कंट्रोल ए करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे। क्रिएट करते ही अगेन जो जो 2 बार होंगी वो ऑटोमेटिक हट जाएंगी, वो मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, तो रो में हमको लेना है SKU ID, ठीक, तो टोटल जैसे 1300 कुछ थी, अब कितनी बच गई, आप देखो सिर्फ 220 या 219 बच गई है सिर्फ, राइट। तो हम इन्हीं को यहां से कॉपी कर लेते हैं, राइट, और फाइनल SKU ID यहां पर लिख लेते हैं, फाइनल SKUs, जो फाइनल SKUs है, ठीक है, उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो ये सारे देख सकते हैं आप फाइनल SKUs हैं, ये देखिए सिर्फ 100
कितने थे, 219 के आसपास थे, ठीक है। इन सब का आप इसके अगेंस्ट में कॉस्ट प्राइस लिखिए कि इन सबको लेने में, इन सबको प्रोक्योर करने में या कहीं से आपने मैन्युफैक्चरर से लिया है, कुछ बनाया, कितना रुपया लगा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस लिख लो आप सबकी। अभी मुझे नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो मैं एग्जाम्पल के लिए रेंडम कुछ भी इनका कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूँ। मान के चलो 52, जस्ट सेकंड, जल्दी जल्दी के चक्कर में पता चला ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो मैं इन सबको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि सबकी SKU ID, सबका जो कॉस्ट प्राइस है वो मैं यहाँ पे लिख लूँ। कितना भी हो सकता है, वैसे मैं ये जस्ट एक रेंडम डेटा ले रहा हूँ, हो सकता है आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, ठीक है। तो सबके अगेंस्ट में मैं एक कॉस्ट प्राइस यहाँ पर अपडेट कर लेता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट इसमें लगेंगे। ये एक रफ डेटा मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए, अदरवाइज आपको प्रॉपर SKU ID ही लिखनी, मतलब कॉस्ट प्राइस को प्रॉपर लिखना है। आप एक प्रॉपर शीट भी बना सकते हैं जिसमें आपने SKU ID अपने सारे प्रोडक्ट्स के लिखे हुए हों, ताकि हर बार इस तरीके से लिखने की जरूरत आपको ना पड़े, राइट। चलिए, सारे SKU के आगे मैंने एक कॉस्ट प्राइस लिख ली है, इवन एक्स्ट्रा भी हो गया है, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हर SKU के आगे मैंने एक कॉस्ट प्राइस लिख लिया है यहाँ पे, देखिए, राइट। अब यही कॉस्ट प्राइस मेरे को क्या करना है, यहाँ अपडेट करना है, ठीक। हर SKU ID के सामने यही कॉस्ट प्राइस मेरे को यहाँ अपडेट करना है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, हर SKU ID का मेरे को कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस मैंने हर SKU ID का यहाँ पर लिख लिया है। तो यहां से मैं क्या लगाऊंगा, एक फॉर्मूला, अगेन वी लुकअप फॉर्मूला यहां से लगा लूंगा, वी लुकअप ये वाली SKU ID कॉमा SKU वाली शीट, ये दोनों कॉलम कॉमा 2, 0, राइट। तो इसकी SKU ID की, इस SKU ID का यहां पर कॉस्ट प्राइस आ गया है, मैं इसको पूरे में पेस्ट कर देता हूं, राइट। तो आप देखेंगे हर हर कॉलम के आगे SKU ID का जो कॉस्ट प्राइस है वो आ चुका है। टोटल कर लेंगे, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 70,133 रुपए। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 70,133 रुपए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल स्टेज पे, जहां पे हम यहाँ पे एक दो कॉलम में और ऐड कर लेता हूं, ताकि नीचे हम कैलकुलेट कर पाए, फाइनल अपना सेटलमेंट कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम और ऐड कर दिए हैं, कुछ रोज और ऐड कर दिए। तो देखो, इतना हमें टोटल पेमेंट मिला, इतना तो हमारा कॉस्ट प्राइस लगा था, राइट। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इज इक्वल टू ये माइनस ये, कितना रुपया आया टोटल, हमने जो कमाई करी है जनवरी मंथ के ऑर्डर्स को प्रोसेस करके, वो कितनी करी है, 29,969, राइट, 69, राइट। बट अगेन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी तो हमारा लगा है, राइट। तो हम अगेन क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे एड्स कॉस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब पैकेजिंग की या फिर और कुछ कॉस्ट, तो इसको हम एक्स्ट्रा कॉस्ट मान के चलते हैं, राइट। तो मान के चलिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका कुछ रुपए यहाँ पे लगा, कुछ रुपए मतलब, अब देखिए टोटल ऑर्डर्स आपने कितने डाले पूरे मंथ में,
ये मैं टोटल ऑर्डर देख लेता हूँ। टोटल ऑर्डर डाले थे 1332, राइट। तो हर ऑर्डर के पीछे अगर मान नियर अबाउट 1000 ऑर्डर है और हर ऑर्डर के पीछे 5 रुपये या 6 रुपये भी आपका लगा है, तो लगभग आप लगा लो 6000 रुपये आपका यहाँ पे पैकेजिंग का कॉस्ट लगा हुआ है। 5-6 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से मैंने ये लगा दिया है, 5-6 नहीं 4.5-5 रुपये पर ऑर्डर आपका, जितना भी है, 10 भी होता है किसी का 5 भी होता है, कितना आपको पर पैकेजिंग का कॉस्ट पड़ रहा है, राइट। तो 6000 रुपये तो ये हमारे हटेंगे यहाँ से। एड्स का कॉस्ट, आपने जनवरी मंथ में टोटल कितने रुपये एड में खर्च करे, राइट। तो मान के चलो आपने, वैसे तो ऑब्वियसली इतने कम ऑर्डर्स हैं तो सेलर ने ज़्यादा नहीं करे होंगे, बाकी डिपेंड करता है आपने कितने रुपए एड में खर्चा किया हुआ है, वो आप देख लेना, राइट। तो आप एड्स के डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा कि टोटल, आपने फिल्टर लगा लो और पता चल जाएगा कि आपने टोटल एड में खर्चा कितना किया था। ऑब्वियसली हर हर डैशबोर्ड पे एक एड्स का पोर्टल होता है, वहां पे जाके आपको पता चल जाता है, या आपने ऑब्वियसली काउंट किया होगा तो आप लिख लेना, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ रफली 2000 रुपये एड में सेलर ने लगाए थे, ठीक है। वैसे तो ऑब्वियसली ज्यादा भी लगाए हो सकते हैं। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, इज इक्वल टू ये जो ग्रीन कलर में है ये माइनस ये, टोटल आ गया 21900, ये देखिए 21,969 रुपीज जो है वो कमाए हैं सेलर ने पूरे महीने। तो सेलर ने जनवरी मंथ में 21,969 रुपये, मतलब 21,969 रुपीज का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। इसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतने का धंधा किया है, धंधा तो ऑब्वियसली 1 लाख से ऊपर का किया है, ये है जो सेटलमेंट आया है, राइट। ये तो है कि इतना रुपया आया है अकाउंट में, धंधा इससे भी ज्यादा हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रॉस रेवेन्यू, राइट। वो क्या होगा, जो आपने ऑब्वियसली बेचा है जितने का प्रोडक्ट, राइट। तो प्रोडक्ट जितने का बेचा है उसमें से सेटलमेंट होके इतना आया है, राइट। तो इस तरीके से इतना आपका कॉस्ट प्राइस लगा था उस पे। ये कॉस्ट प्राइस मैंने बहुत कम लिया है, वैसे अगर मैं मान के चलूँ तो बहुत कम लिया है। देखिए अगर एक प्रोडक्ट में 228 रुपये मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ऑर्डर आईडी की शीट में जाओगे तो देखोगे कि ये 400 या 450 रुपये का था, तो 450-450 रुपये का होगा, तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट 150 या 200 तो रही होगी, 250 भी हो सकती है। मैंने 55 ही लिया है, तो ये जस्ट मैंने रैंडम डेटा लिया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आई है। बट जैसे ही ये सेलर का मैं डेटा देख पा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है इतने ऑर्डर्स में, राइट। तो फिर भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपके अगर 10 ऑर्डर पर डे हैं, 50 ऑर्डर पर डे हैं, 1 लाख ऑर्डर पर डे भी हैं, ये शीट को आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं। मैंने बहुत धीरे आपको समझाया है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। कोई भी डाउट होता है लाइव सेशंस में आप पूछ सकते हैं, या मेरी टीम का नंबर मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ, कभी भी आप इनको पूछ सकते हैं, अकाउंट चेक करा सकते हैं, अकाउंट चेक मेरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। बाकी अगर अदर चीज़ें आपको पूछनी है, कई पेड सर्विसेज भी होती हैं वो लेनी है, तो आप ले सकते हैं। तो मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 8979080856, ठीक है। मिस्टर उमेश नाम है, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेल्स टीम के मेरे हेड हैं, वो डायरेक्टली आपसे बात कर लेंगे। आई होप ये पूरा समझ में आया है, मेरी मेहनत ऑब्वियसली 1 घंटे तक का काम आई होगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको प्रैक्टिस करिए बार बार, तभी जाके आपका जो है ये अच्छे से, जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने फास्ट और उतना एक्यूरेट निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ और बच गया है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं।